गोरखपुर जोन में 19 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। मतदाताओं को किसी भी प्रकार का व्यवधान न होने पाए इसके लिए पुलिस प्रशासन में पूरे इंतजाम किए हैं, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए पुलिस महानिरीक्षक दावा शेरपा ने कहा कि नेपाल और बिहार बॉर्डर पर चौकसी बरती जा रही है। बॉर्डर पर मादक पदार्थों के तस्करी को रोकने के लिए चेकिंग तेजी से कर दी गई है और मतदान के 48 घंटे पहले बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा। एडीजी दावा शेरपा ने मतदाताओं से अपील किया है कि बिना डरे, बिना रुके, बिना थके करें मतदान। गोरखपुर पुलिस है आपके साथ। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी दावा शेरपा ने कहा, अंतिम चरण यानी कि सातवें चरण में गोरखपुर जोन के गोरखपुर मंडल में कि चारों जिला यानी कि 5 और आधा सीट चुनाव है। इसमें महाराजगंज में नेपाल बॉर्डर है और कुशीनगर और देवरिया में बिहार बॉर्डर है। सारी तैयारियां कर ली गई है। बॉर्डर में बैरियर बना के चेकिंग फ्रिस्किंग जो लास्ट 48 घंटे में जो कार्रवाई करनी है उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और पर्याप्त मात्रा में जो केंद्रीय सुरक्षा बल और प्रदेश से जो बल आने थे वो आ गए हैं और लगभग पूरी तैयारी है। अभी तो प्रचार जोरों से है और उसमें भी देखना होता है कि तमाम वीवीआईपी जिनको सुरक्षा श्रेणी प्राप्त है उनकी सुरक्षा को देखना है। इसमें भी हमारी अब तक की तैयारी अच्छी है और मुझे लगता है कि एक शांतिपूर्ण और अच्छा चुनाव मतदान होना चाहिए। थोड़ी गर्मी ज़्यादा है इसलिए उस गर्मी से संबंधित समस्याएं हैं, लेकिन बूथों में पानी की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है जिसमें हमारे सुरक्षा बल के लोग या मतदाता या अन्य किस्म के कर्मियों को गर्मी से होने वाली परेशानी ना रहे और मतदान के प्रतिशत में इसका असर ना रहे, इसकी भी कोशिश की गई है। और हम लोग सतत लोग भ्रमणशील है, हम भी रेगुलरली इसकी समीक्षा कर रहे हैं। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है और भरोसा है कि मतदान शांतिपूर्वक संपन्न होगा। सर, अक्सर देखा है बॉर्डर से शराब की तस्करी की शिकायतें मिलती हैं और कुछ बाहरी तत्व भी आकर के यहाँ डालने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए भी कोई इस तरह की चिन्हित करके कार्रवाई की जाए? इसमें शराब के लिए तो लगातार तबीज तलाश चली रही है और काफ़ी मात्रा में बरामदगी भी है और गिरफ्तारी भी कर ली गई है और वो सतत रूप से चलाते रहेंगे। बाहरी लोगों के बारे में ये है कि जो मतदाता नहीं है तो उनको 48 घंटे के बाद वो जो रेड कार्ड देने की व्यवस्था है, जिनको अपने जो मतदाता नहीं है उस क्षेत्र के, उनको उस क्षेत्र से बाहर कर दिया जाएगा। बॉर्डर सील होगा 48 घंटे के बाद, तो बिल्कुल बॉर्डर सील होगा। अभी निगरानी और तलाशी अभी भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन 48 घंटे के बाद उसको और सुदृढ़ रूप से और डिटेल में किया जाएगा। मतदाताओं से कुछ कहेंगे कि पुलिस पूरी तैयार है? पूरी तैयार है। इस बार एक परिवर्तन ये भी है कि हमने निजी वाहन दोपहिया और रिक्शा और ऑटो इस तरह के वाहनों को अलाउ किया है मतदाताओं को बूथ के पास तक जाने के लिए। वो 200 मीटर तक अपने वाहन से दोपहिया, स्कूटी या निजी वाहन से जा सकते हैं। क्योंकि प्रचंड गर्मी है, इसमें पैदल दिक्कत है और उनके मतदाताओं की समस्या को देखते हुए ये अलाउ किया गया है। तो बिल्कुल जाएं, आप अपना वाहन से जा सकते हैं। कई वृद्ध है, कोई लेडीज़ है, कोई चलने फिरने में दिक्कत है, ऐसे लोगों के लिए बूथ में भी व्यवस्था की गई है, व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। हम उनको 200 मीटर के परिधि के बाहर तक वाहन अलाउ कर रहे हैं। बस इसमें शर्त ये है कि किसी राजनीतिक दल के लिए फिर उसमें मतदाता ढोने वाला जो टैक्सी के रूप में चलाते हैं उसमें रोक है, बाकी निजी वाहन में जाके वोट डाल के आ सकते हैं अपने। दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए तो पूरा पहले से इसका सर्वे करके कितने लोग हैं, कहां कहां हैं, उनके लिए सहायता के लिए क्या क्या उपाय किए जाने हैं वो कर ली गई है और व्हीलचेयर की भी व्यवस्था है। और बूथ में भी आपने देखा होगा रैंप बन गया है ताकि व्हीलचेयर में वो जा सकें। अंत में मैं अपनी तरफ से निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी मतदाता बिना डर के, बिना किसी भय के या आशंका के बिल्कुल निश्चिंत होकर मतदान करने जाएं।
और मतदान की जो स्वच्छता है उसको बनाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं।